विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। ये कपटी दुष्ट इतना बड़ा दुस्साहस कर रहे हैं। अरे साहस है तो अकेले युद्ध करो ना मेरी माँ से। शांत हो जाइए भैया, संसार की समस्त शक्ति उन्हीं से उत्पन्न होकर उन्हीं में समाहित होती है, क्योंकि देवी आदि शक्ति है वो, जगत जननी है वो। ये दोनों तो क्या, समस्त असुर सेना भी उन पर आक्रमण कर दे तब भी उन्हें कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। पुत्र कार्तिकेय का आवेशित होना तो उचित है, जो न्याय प्रिय है उसके समक्ष कोई अन्यायपूर्ण आचरण करे तो उसका क्रोध अवश्य जागृत होगा, और फिर जब ये दुष्टता उसकी माँ पर केंद्रित हो तब वो स्वयं को कैसे शांत रखे। ये क्या भ्राता मुंड, ये तो अभी तक एक ही थी। हाँ भ्राता चंड, किंतु ये अभी चार हो गई है। चंड मुंड देखो, अपने प्रहार को व्यर्थ जाते देख और अपने जीवन की क्षणों की उल्टी गणना करना प्रारंभ करो। हमारे मायावी चक्र रोक दिए, जो मृत्यु प्रदान किए बिना नष्ट ही नहीं हो सकते। उन्हें हमारी ही सेना पर लक्षित कर दिया इस देवी ने। बस इतनी ही शक्ति है तुम दोनों में, यही है तुम्हारे सबसे शक्तिशाली आयुध शस्त्र। मां ने सर्वथा उचित किया, इनके चक्रों से ही इनके सारे असुरों का वध कर दिया। असुरों का तो स्वभाव ही ऐसा है भैया, सती यदि उनके समक्ष आकर स्वयं कहे कि वो सत्य है तब भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे ये, उसे भी अपने अहंकार की काली माँ से ढकने का प्रयास करेंगे ये, और जिसका परिणाम सदा इनका विनाश ही होगा। माता ने तो ये प्रहार बड़ी ही सरलता से डाल दी, किंतु मैं निश्चित तभी होगा जब माता इन दोनों भ्राताओं चंड और मुंड का वध करेंगे। भ्राता मुंड? हाँ भ्राता। मूर्खो, ये बालकों की क्रीड़ा करोगे मेरे साथ? बालकों की क्रीड़ा तो अब तक हो रही थी देवी, अब तुम चंड मुंड की प्रचंड विद्युत शक्ति का सामना करोगी। अपना चाल बोलेंगे मेरे चारों, शीघ्र इनका ये भ्रम भी भंग होगा। अभी हमारी वास्तविक शक्ति से परिचित कहाँ हो देवी? हा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 ह
नष्ट होते देखो। ये भ्राता मुंड ठीक है भ्राता। अपनी गति और बढ़ाओ भ्राता मुंड, थका दो इस देवी को। भ्राता चंद, उचित सुझाव है तुम्हारा। लो, मैंने और तेज कर दी अपनी गति। को देखने में भी असमर्थ हूँ। चंड और मुंड बहुत तीव्र गति से उनके चारों ओर घूमकर उन पर खड़क प्रहार कर रहे हैं, और वो भी उतनी ही तीव्र गति से उनके वो खड़क नष्ट कर रही हैं। वो मूर्ख चंड और मुंड अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्या नहीं समझ पा रहे हैं भैया? यही गणेश, कि माँ तो इन दोनों के साथ क्रीड़ा कर रही है, जिसके उपरांत जितनी तीव्रता से माँ का क्रोध जागृत होगा उतनी ही अधिक दुर्दशा होगी इन दोनों की। चंड मुंड, अब तुम्हारी कुछ ही सांस शेष, तुम्हारा अंत निश्चित। क्या हुआ देवी, हमारे प्रहार संभाल नहीं पा रही हो क्या? अरे वो संभालेगी भी कैसे भ्राता चंड, अकेली नारी इतने प्रचंड प्रहारों का सामना कैसे कर सकती है? ए नारी, हम तो अनंत काल तक किसी प्रकार प्रहार कर सकते हैं, पर तुम अवश्य थक जाओगी। तुम्हारे कोमल कोमल हाथ उठने से मना कर देंगे, तब तुम अपना शीश झुकाने में विवश हो जाओगी। तुम पर अनेकों प्रहार कर तुम्हें छत विछत कर देंगे। हाँ, फिर हम अपना समस्त ध्यान उस देवी कौशकी पर केंद्रित करेंगे। इतने अपमानजनक शब्द मेरे और देवी कौशिकी के प्रति, इन दोनों की दुष्टता चरम पर पहुंचकर मेरे क्रोध में वृद्धि कर रही। किंतु तुम चिंता मत करो, देवी कौशिकी के साथ हम ऐसा भयंकर व्यवहार नहीं करेंगे। हाँ, उस सुंदर देवी को खींचते हुए अवश्य ले जाएंगे, किंतु अत्यंत प्रेम के साथ, शुंभ के लिए नहीं, उसे अपने लिए लेके जाएंगे। बस अब प्रतीत होता है अपने इन दुर्वचनों से अपने भाग्य के पट बंद कर लिए हैं इन दोनों ने। अब तो एक ही घटना शेष है इनके जीवन में, इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु, अब इन दोनों के पापों की गागर भर चुकी। क्या हुआ देवी, हाथ क्यों झुका लिए? क्या अपनी पराजय स्वीकार कर ली क्या? हमारा अंत करोगी, यही कहा था ना तुमने? अब देखो, हम करेंगे तुम्हारा अंत। अरे ये क्या हुआ? माँ काली कहाँ चली गई? मुंड, वहाँ कुछ घटित हुआ है। हाँ भ्राता चंड, वो देवी अब दिखाई नहीं दे रही है। हमें थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। उचित है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी गति धीमी करनी पड़ेगी। भ्राता मुंड, वो देवी कहाँ चली गई? लगता है भाग गई। मुंड,
भ्रातामुंड, ये तो यहाँ है। हाँ भ्राताचंड, देख रहा हूँ मैं, ये हमसे भी ऊपर पहुंच गई है। भागना तो अब तुम्हें चाहिए मूर्खो। ये तो अत्यंत विकराल प्रतीत हो रही है भ्रातामुंड। हाँ भ्राताचंड, ये क्या करने जा रही है? किंतु अब तो तुम्हारे भागने का भी कोई लाभ नहीं। भ्रातामुंड, इसका स्वर तो अत्यंत भयावना है। अब हम क्या करें? मैंने कहा था अंततः माँ इनकी बड़ी दुर्दशा करेंगी। अरे ये क्या कर रही हो तुम देवी? मुक्त करो मुझे। ये तो मुझे उठा क्यों रही हो? क्यों उठा रही हो मुझे? क्या करोगी मेरे साथ? छोड़ो मुझे। मेरा तो मन था कि माँ विद्युत रेखाओं को एक सूत्र में गूंथ दे। चंड और मुंड को एक दूसरे से टकराते देख बहुत आनंद आएगा मुझे। तुम्हें तीव्र गति से घूमकर वार करने में बहुत आनंद आ रहा था ना? तो लो, अब और गति देती हूँ तुम्हें। अब और तीव्रता से घूमो। प्रतीत होता है माँ को तुम्हारा सुझाव भाग गया है। गणेश, माँ ने दोनों रेखाओं को इस प्रकार एक साथ गूंद दिया है जैसे प्रतीत होता है किसी के केशों की चोटी हो। हाँ भैया। ये इस प्रकार विद्युत से कैसे प्रभावित हो रहे? क्योंकि माता ने इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया, इसलिए चंड सीधे मुख है और मुंड उल्टे मुख। विपरीत विद्युत ऊर्जाओं के एक साथ आने से विद्युत ऊर्जा के प्रवाह में एक तरात्म स्थापित हो गया है और यह विद्युत भली भांति निरंतर प्रवाहित होती रहेगी और ये दोनों भी इसी प्रकार अपनी ही ऊर्जा से प्रभावित होते रहेंगे। जैसे ही हम उस स्त्री के निकट पहुंचेंगे, हम उसे एक अंतिम चेतावनी देंगे जो उसके लिए समर्पण कर हमारी बंदी बन हमारे साथ आने का अंतिम अवसर होगा। मैं तुम दोनों को अंतिम चेतावनी देती हूँ, देवी कौशिकी के समक्ष समर्पण करो, उनकी शरण में आ जाओ। क्षमा मांगे, समर्पण करें, वो भी हम? वो भी एक नारी से? हमसे तो क्षमा अब तुम मांगोगी। अपना अंतिम अवसर भी गवा दिया इन दोनों ने। बस उसके लिए ये अंतिम अवसर होगा, उसके बाद हम नहीं हमारे बाण बात करेंगे। हमारे बाण बात करेंगे। बाण बात करेंगे। ये क्या कर दिया देवी? हमें अपने ही बाणों से
भेद दिया। बहुत पीड़ा हो रही है। उस पर बाणों की ऐसी बौछार करेंगे कि वो उनसे आहत होकर लहूलुहान हो जाएगी। वो चीत्कार करेगी, हमारे बाणों के बंधन से मुक्त होने के लिए समस्त प्रयास करेगी। अपने कोमल कोमल हाथों से अपने बाणों को हटाने का प्रयत्न करेगी। तब मैं और चंड उसे अपने विद्युत पाश फेंककर बंदी बना लेंगे। अब अपने पाश से बंदी बनाऊंगी तुम्हें। अरे ये पाश तो हमें और कष्ट दे रहा है, हमारे घाव बढ़ा रहा है। छोड़ दो हमें, और कोई भूल नहीं करेंगे हम। हमें जाने दो, हमें जाने दो। भारी बेड़ियों में बंधी अपने पैरों पर हमारे साथ चलकर यहां तक आएगी। मैं उसके केश थाम लूंगा, वो हमारे आगे हाथ जोड़कर असहाय अवस्था में आकर रुदन करेगी। फिर उसे भारी बेड़ियों में बांधकर खींचते हुए आपके समक्ष ले आएंगे। वो हमारे आगे हाथ जोड़कर असहाय अवस्था में आकर रुदन करेगी। नारी शक्ति को दुत्कारते थे ना तुम, किंतु देखा कैसे एक नारी ने ये दुर्दशा की है तुम्हारी। किंतु तुम तो क्षमा योग्य भी नहीं। के अहंकार को खंडित करते हुए हम उसे इस राज्यसभा में लेकर आएंगे और असुर महानायक शुंभ के चरणों के आगे डाल देंगे। वो फिर अपने दया की भिक्षा मांगेगी।
असुर महानायक शुंभ के चरणों में गिर के दया की भिक्षा मांगेगी। असुर महानायक शुंभ के चरणों में गिर के दया की भिक्षा मांगेगी। देवी काली, तुमने चंड मुंड का वध किया है, इसलिए आज से तुम संसार में देवी चामुंडा के नाम से भी जानी जाओगी और समस्त संसार देवी चामुंडा की पूजा करेगा। उस असुर देवी ने उसका भी वध कर दिया। महेश पांडरक, उसका भी अंत। उसी देवी ने की असुर महानायक। मुंड असुर सेनापति मुंड भी उस देवी के समक्ष जीवित नहीं बचे। चंड कैसे बताऊं असुर महानायक को चंड का भी अंत किया देवी ने। उस देवी ने, उस नारी ने, उसका भी, उसने चंड का भी वध कर दिया। चंड मुंड जैसे पराक्रमी असुरों को, मेरे सेनापतियों को पराजित कर दिया उसने। महापराक्रमी असुर चंड मुंड और धूम्रलोचन तीनों को भी अपना सेनापति नियुक्त करता हूं। ओ दुष्ट नारी, मैं उसका अंत कर दूंगा। अंत? ये क्या कह रहे हैं आप देव सेनापति निशुम्भ? अब तो अपने भ्रम से बाहर आइए, इस अनुचित उन्माद का अंत कीजिए। अब वो कोई साधारण नारी नहीं है, समस्त ब्रह्मांड की शक्ति की स्रोत, सर्वोच्च नारी की शक्ति, शिव की शक्ति,
जगत जननी है वो। वो कोई भी हो, मैं उसका अंत कर दूंगा, अंत। निशुंभ। जी भैया। सेनापति रक्तबीज सर्वथा उचित कह रहे हैं। हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा। ये क्या कह रहे हैं भ्राताशुंभ? हम असुर पराजय स्वीकार कर लें? यही उचित होगा, इसी में हम सभी असुरों की भलाई निहित है। माँ चामुंडा की जय। माँ चामुंडा की जय। माँ चामुंडा की जय। गणेश जी, मैं स्वयं को रोक ही नहीं सका। मुझे माँ की लीला का प्रत्यक्ष दर्शी बनने की इतनी तीव्र इच्छा जो थी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं माँ काली के देवी चामुंडा रूप की लीला का साक्षी बना। आपकी लीला तो दिव्य और अपरंपार है माँ। आपकी लीला ने ही हमें एक चमत्कारी युद्ध का प्रत्यक्ष दर्शी बनाया, और आपकी ही लीला के कारण माँ चामुंडा का नाम भी जगत के समक्ष आया। चंड और मुंड का वध करने के कारण आज से आप देवी चामुंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नाम से भी संसार में पूजी जाएंगी। आपके मंदिर की स्थापना होगी, जहाँ आपके दर्शन मात्र से आपके भक्तों में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होगी। प्रणाम माता। मैं अचंभित हूँ कि एक नारी से भयभीत होकर हम पराजय स्वीकार कर लें। ये आप सुझाव दे रहे हैं भ्राताशुंभ? इसमें अचंभित होने को क्या है भ्राता निशुंभ? धूम्रलोचन, रुरु, महेश पौंड्रक ही नहीं किंतु अपराजय महायोद्धा चंडमुंड के साथ हमारी असुर सेना के एक बड़े भाग का अंत हो चुका है, और इन सभी का वध किया है उस नारी देवी कौशिकी ने। ये क्या हो गया है भ्राताशुंभ को? क्या वो भी अपना साहस खो बैठे? है ना, उस देवी ने हमारे प्रचंड असुर योद्धाओं का वध कर दिया, फिर भी तुम्हारा क्रोध जागृत नहीं हुआ? सत्य तुम्हें व्याकुल नहीं करता, तुम्हारे हृदय का रक्त क्रोध से नहीं उबलता। बोलो रक्तबीज, बोलो। हमारे असुर भ्राता हमारे लिए, हमारे असुर समुदाय के उत्थान के लिए युद्ध करने गए थे, उन पराक्रमी असुर योद्धाओं का निर्मम वध किया उस नारी ने, और तब भी तुम्हारा रक्त प्रतिशोध के लिए गतिशील नहीं होता? आप सत्य को कब स्वीकार करेंगे असुर मानक्षम? अपने मति भ्रम का परित्याग कीजिए, जिनसे प्रतिशोध लेने के लिए आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं। वो कोई साधारण नारी नहीं है, जगत जननी है। पूरा वही राग अलाप रहा है ये?
असुर महाराज शुम उनकी शक्ति को पहचानी। बस रक्तबीज बस, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है जगत जननी देवी शक्ति माता। तुम्हारे मुख से निकले इन शब्दों का श्रवण करते करते थक चुका हूं मैं। मात्र शब्द नहीं है ये असुर महानायक शुम, इन्हीं शब्दों में सत्य निहित है। प्रतीत होता है सत्य कुछ और ही है। बताओ मुझे, असुर गुरु शुक्राचार्य द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धा में तुमने क्यों भाग लिया था? बताओ मुझे। स्मरण रहे, अब असुर शक्ति के उदय का समय आ गया है। अब बहुत हुई पराजय, अब जय होगी असुरों की, और आज ही हम इस जय का आरंभ करेंगे। यदि उस स्पर्धा में विजय होकर तुम असुर महानायक के पद पर प्रतिष्ठित होते तो क्या करते? बताओ रक्तबीज, बताओ क्या करते? ये तो स्पष्ट है, असुर समुदाय के मान को दांव पर लगा देता ये, और इसके अधीन सभी असुर योद्धा उस नारी के भय से अपने अस्त्र को छोड़कर कंगन धारण कर कहीं छिपे बैठे होते। अपना स्वर नीचे रखो रक्तबीज, नीचे। मेरे भ्राता के शब्द चुप गए तुम्हें तो आज सत्य कह ही दो। बताओ मुझे, तुम्हारी निष्ठा हम असुरों के प्रति है या उस नारी के प्रति? असुर महाराज शुम, मुझ पर आक्षेप लगाने के पूर्व तनिक समझने का प्रयास कीजिए। ईश्वर से युद्ध कर हम कभी विजय नहीं हो सकते। ईश्वर, वो नारी एक कुटिल कपटी मायावी नारी तुम्हारी ईश्वर है, और उसकी शक्ति में तुम्हें इतना विश्वास और उसके प्रति तुम्हारी इतनी श्रद्धा है। रक्तबीज, तुम इससे युद्ध न कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हो। देवी कौशिकी को मेरे संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको और असुरों का बचाव करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। क्योंकि यदि आप निशुम, मैं और अन्य असुर शेष ही नहीं रहे तो इस युद्ध का असुरों को क्या लाभ होगा? अपनी जान गवाकर भी हमें क्या प्राप्त होगा? बस बस रक्तबीज बस। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते। सच्चे हितैषी ही सत्य से अवगत कराते हैं, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है वो इसे कितना महत्व देता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।